Hello, I'm Arvesh Dev. Welcome to my channel. Please subscribe my channel, comment and share the video. अगर आप पहली वीडियो देखना चाहोगे तो यहाँ पे आपको आई बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करने के बाद आप पहली वीडियो का एक्सेस हासिल कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट, इंग्लिश टेक्स्ट बुक टुलिप सीरीज बुक 5th यूनिट 1st इट्स बॉम एडिट बॉक्स रिटन बाय अरविंद गीगो. नाउ लेट्स रीड. He plays with the remote control and watches the Spider-Man. He doesn't know how to play football and shape a snowman. He made his daddy and mommy buy an LED for him. He shut himself in his private room and doesn't let anyone in. He hasn't seen a mountain, a flower garden, and a waterfall. He laughs when he sees an undo man fly over a hill. He doesn't turn the leaves of a picture book or comic. He changes the channels to suit his shifting moods. He doesn't relish the food stuff in his mouth. He's excited seeing pirates eat fishes and foods. He wears thick glasses and contracts his eyes to see. Men, women, and children walk in the drawing room. So this poem has been written by Arvind Gigo. This is the writer of this poem. It tells all about us the LED. आपने बच्चों LED देखा होगा और कहीं के घरों में LED नहीं होगा तो TV होगा. तो मैं आपको आज ओल्ड टीवी और एलईडी के बीच का जो डिफरेंस है वो बताऊंगा. हम पिक्चर्स देखेंगे, उससे हम अंडरस्टैंड करेंगे, राइट? और उसके बाद आफ्टर दैट हम इसका उर्दू वर्जन में अंडरस्टैंड करेंगे इस फॉर्म को. डियर स्टूडेंट, दिस इज द ओल्ड टीवी, राइट? यू कैन सी हियर सारे जो स्विच्ड हैं, ऑल द स्विच्ड इज हियर ऑन द front side, and the screen of this TV is not so charming or so smart. So that यहाँ पे आप देख रहे हैं all the switches are here. तो आपको इस TV को operate करने के लिए ऊपर उठना पड़ता है, फिर बैठना पड़ता है, फिर channel को change करना पड़ता है. So this was the old TV's picture, right? So I gonna show you the new TV जिसको आप एलईडी भी बोल सकते हैं, राइट? आप देखो ये एलईडी है, कितना खूबसूरत है. छोटा करेंगे तो ये बड़ा खूबसूरत है. इसको थोड़ा जूम करेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें फर्क क्या है. इसमें कोई भी आपको यहाँ पे कोई भी स्विच नहीं मिलेगा इसको ऑन और ऑफ करने के लिए. तो आपके हाथ में रिमोट होगा और यू कैन स्विच ऑन एंड ऑफ थ्रू the remote control which would be there in your hand, right? कुछ ऐसे लोग हैं जिनके घरों में ऐसा टीवी है और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके घरों में ऐसा टीवी अभी मौजूद नहीं है, ओल्ड टीवी है. और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे जिनके घर में टीवी ना हो. एक और पुरानी टीवी की तस्वीर यहाँ पे मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं. ये थोड़ा उससे कदरे बेहतर है, दिखाई दे रहा है, लेकिन ये भी ओल्ड मॉडल है और इसमें भी स्विच यहाँ पे हैं, स्पीकर साथ में है. और अब एक और नया टीवी जिसको आप एलईडी बोल सकते हैं उसकी पिक्चर. तो आपने इस टीवी को देखा, काफी बड़ा है ये, खूबसूरत भी है और इसको एलईडी बोलते हैं. सो लेट अस गो बैक टू द पॉम. Let's understand the Urdu version of this poem. Idiot box. So idiot box किसको कहा गया है? वो LED को कहा गया है. ये एक बच्चे की कहानी है. इसमें बताया गया है कि एक बच्चा जो है वो स्पाइडरमैन को देखता है और उसको वॉच करता है और उसके हाथ में जो है रिमोट कंट्रोल है. वो नहीं जानता है कि फुटबॉल को कैसे खेला जाता है
और जो बर्फ पे शक्ल बनाते हैं उसको कैसे जो है वो मतलब बनाते हैं, वो ये भी नहीं जानता है। वो अपने डैडी और अम्मी को क्या बोलता है, वो ये कहता है कि आप जो है एलईडी खरीदो, तो वो उसके लिए एलईडी खरीदते हैं। उसके बाद वो अपने प्राइवेट रूम में दरवाजे को बंद करके बैठता है और किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं देता है। उसके बाद वो ये नहीं जानता है ना, उसने कभी जो है पहाड़ नहीं देखे होंगे, या देखे हैं, उसने कभी फ्लावर गार्डन भी नहीं देखा है, यानी कि फूलों का जो बाग है वो भी नहीं देखा है, और वाटरफॉल भी नहीं देखा है। तो यहाँ पे ये आपके लिए न्यू वर्ड हाउस हो सकता है, माउंटेन, फ्लावर गार्डन और वाटरफॉल। तो माउंटेन कहते हैं पहाड़ को, और फ्लावर गार्डन फूल का बाग, और वाटरफॉल झरने को बोलते हैं। झरना वो होता है जहां से पानी आता है और वो नीचे पड़ता है, और उसको हम झरनी बोलते हैं। और पानी ऊपर से पड़ता हो और वो पानी बहुत ज्यादा हो, दिखाई दे रहा हो, तो कहता है वो हंसता है जब जो है अंट्रू मैन, यानी कि हकीकत में वो मैन नहीं होता है, वो फ्लाई करता है पहाड़ियों के ऊपर से, उस पर वो हंसता है। वो कभी भी जो है वो यानी कि उसके पास जो पिक्चर्स बुक है उसको नहीं देखता है, और वो चैनल को जो है वो चेंज करता रहता है, शिफ्ट करता है, चेंज करता है अपने मूड के हिसाब से, जैसे उसका मूड बनता है वैसे वो चैनल को लगाता है। वो अपने खाने का मजा भी नहीं ले सकता है जो उसके मुंह में होता है, जो मतलब उसके मुंह में निवाला होता है, उसका मजा भी नहीं कर सकता। यहाँ पे स्टफ फूड स्टफ का हो मतलब है, स्टफ्ड का मतलब है जो है खाने का निवाला, उसका मजा भी नहीं। तो यहाँ पे रिलिश, रिलिश जो है वर्ड है, न्यू वर्ड है आपके लिए, इसका मतलब है मजा। तो ही डजेंट रिलीज द फूड स्टफ इन हिज माउथ, यानी कि जो उसके मुंह में जो निवाला होता है खाने का, उसका मजा भी नहीं लेता है। ही इज एक्साइटेड सीइंग पायरेट्स ईट फिशेस एंड फूड, तो वो काफी उकसा जाता है जब वो देखता है कि समंदरी चोर, यहाँ पे पायरेट्स का क्या मतलब है, समंदरी चोर जो समंदर में शिप्स में जाते हैं और चोरी करते हैं, और वो जब फिशेस और फ्रूट खा रहे होंगे तो वो उस वक्त काफी एक्साइट होता है। उसने बहुत मोटा चश्मा पहना हुआ होता है जो उसकी आंखों से लगा हुआ होता है, ऐसा दिखाई देता है। मर्द, औरतें और बच्चे चलते हैं उसके ड्राइंग रूम से, या उसके ड्राइंग रूम में से चलते हैं। तो ये अरविंदो जो है, सॉरी अरविंद है, ये अरविंदो नहीं है, आई एम सॉरी, अरविंद डिगो ने ये लिखा हुआ है। हमारे पास कुछ न्यू वर्ड्स हैं, जैसे हमारे पास रिमोट है, कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल है, स्पायरर है, स्पायरमैन है, शेप है, स्नोमैन है, एलईडी है, अंट्रू है, कॉमिक है, चैनल है, शिफ्टिंग है, रिलीश है, स्टफ है, पायरेट है, ग्लास है, कंट्रैक्ट है। तो इसकी हम ग्लोसरी को यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि हमारे पास रिमोट है, रिमोट का मतलब होता है डिस्टेंट, कंट्रोल का मतलब होता है टू हैव अ पावर इन्फ्लुएंस ओवर। तो रिमोट का मतलब होता है बहुत दूर से, कंट्रोल का मतलब होता है मतलब ऐसी ताकत जिसको आप जो है वो कर सकते हैं, चला सकते हैं। रिमोट कंट्रोल कहता है कि सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग मशीनरी फ्रॉम अ डिस्टेंस बाय रेडियो सिग्नल्स एंड एट अ वैक्ट क्रिएचर व्हिच मेक्स थ्रेट इनटू नेट टू कैच इंसेक्ट और ईट। तो ये स्पाइडर है, तो आप रिमोट कंट्रोल क्या होता है, रिमोट कंट्रोल एक ऐसी मशीन है जो सिग्नल्स को आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं दूर से। स्पाइडर, स्पाइडर बोलते हैं मकड़े को, जैसे कश्मीरी में इसको जरूल बोलते हैं और उर्दू में इसको मकड़ा बोलते हैं, और हो सकता है डोगरी में कुछ और बोलते हों। तो इसकी 8 टांगे होती है, राइट। उसके बाद है स्पाइडरमैन, ये एक मूवी है, फिल्म है जो टीवी पे आती है। तो वो स्पाइडरमैन कैसा बनता है, वो भी मकड़े की तरह ही ऊपर उड़ना स्टार्ट कर देता है। शेप, शेप का मतलब होता है शक्ल, तो यहाँ पे बनाना आएगा, राइट। स्नो, स्नोमैन, ये कहता है एक ऐसा फिगर ऑफ अ मैन मेड आउट ऑफ स्नो बाय चिल्ड्रन, तो बर्फ पे जो जो है शक्ल बनाते हैं उसको हम स्नोमैन बोलते हैं। एलईडी, अब एलईडी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए। इट स्टैंड्स फॉर लाइट इमिटिंग डायोड। सो जो टीवी है, टीवी सेट जो है उसमें ये एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, तो ये लाइट कम
लगती है इसमें। जैसे कि आपके घर में एलईडी बल्ब होंगे, तो एलईडी का यही मतलब है लाइट मेरिंग डियोड, तो जो है आप समझ गए। अनट्रू का मतलब होता है फॉल्स पिक्चर ऑफ मैन वुमेन शोन ऑन टीवी, टीवी पे जो दिखाया जाता है वो अनट्रू होते हैं, वो ट्रू नहीं होते हैं। उसके बाद हमारा जो है कॉमिक, कॉमिक एक मैगजीन है जो बच्चों के लिए आती है, उसमें कुछ पिक्चर्स दिखाई देते हैं। चैनल चैनल जो है वो एक बैंड है रेडियो व्यूज का, यूज्ड फॉर ब्रॉडकास्टिंग टेलीविजन, तो टेलीविजन में ये ब्रॉडकास्ट करने के लिए होते हैं, तो अपना अपना चैनल होता है। चेंज का मतलब होता है शिफ्ट करना, रेलिश का मतलब होता है मजा लेना एंजॉय करना, और स्टफ का मतलब होता है फील्ड, जिसको आपने वाला भी बोल सकते हैं, पायरेट पर्सन हु सेल्स द सीज, हु सेल्स द सीज एंड रॉब द अदर शिप। तो पायरेट का मतलब होता है जो समंदरी चोर, जो शिप को क्या करता है, सेल भी करता है, उसको तैराता भी है, यानी कि तेल उसको जो है वो यानी कि उसका कैप्टन बन जाता है, और दूसरे शिप्स को जो है वो क्या करता है, चोरता भी है। ग्लासेस स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस बोलते हैं एनो को, और कॉन्ट्रैक्ट टू मेक स्मॉलर, तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यहाँ पे छोटा होता है। तो इसके साथ ही डियर स्टूडेंट मुझे इजाजत दीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस फॉर्म को एंजॉय कीजिए।